आज कांग्रेस का कुनबा बड़ा, कुनबा बड़ा क्या कहें, जिन्हें कांग्रेस से टिकट नहीं मिला बीजेपी में चले गए, टिकट लेके आ गए। जिन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, साध्वी अनादि सरस्वती अजमेर से, उन्होंने आज कांग्रेस ज्वाइन कर ली। आपको ध्यान होगा पेनल्टी कॉर्नर में कल मैंने तफसील से उनका जिक्र किया था कि शहीद हेमू कालानी के भाई की पोती हैं ये। देखिए साध्वी अनादि सरस्वती ज्वाइन कर रही हैं, अशोक गहलोत ने ज्वाइन करा रहे हैं कांग्रेस। बीजेपी से टिकट मांग रही थी पर बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। वासुदेव देवनानी 20 साल से चुनाव लड़ रहे थे, जीत रहे थे, उनको फिर टिकट दे दिया। वासुदेव देवनानी का इतना जबरदस्त विरोध है कि ज्ञान सारस्वत नाम के पार्षद ने घोषणा कर दी निर्दलीय चुनाव लड़ने की, और बीजेपी के अधिकांश पदाधिकारी और नेता, नामचीन नेता ज्ञान सारस्वत के पीछे खड़े हो गए। इसलिए इस बार वासुदेव देवनानी को काफी मुश्किल पेश आ सकती थी। अब ये परेशानी बढ़ सकती है क्योंकि अनादि सरस्वती सिंधी परिवार से और भगवा वेशधारी, तो भगवा कपड़े में सिर्फ भाजपा में नहीं है लोग, प्रतापपुरी बल्लभ, ये आज जो बाल मुकुंदाचार्य हवा में से इनको आज टिकट दिया गया प्रतापपुरी, और ये जो सांसद बालकनाथ, तीन भगवा चेहरे तो वहां हैं बीजेपी में, लेकिन यहां भी भगवा चेहरा ले आए। ये सिंधी भी हैं और भगवा भी हैं, तो जो सिंधी वोट एकजुट मिल सकते थे वासुदेव देवनानी, वो भी अब उस तरह नहीं मिलेंगे। और भाजपा के वोट भी जो कांग्रेस में जाने हिचकते थे, लेकिन अब उनके पास एक ऑप्शन कांग्रेस ने उपलब्ध करा दिया है। और एक परेशानी कांग्रेस के सामने पेश नजर आ सकती है कि इस इलाके में अजमेर उत्तर में अगर इनको टिकट दिया गया तो आज जैसे महेंद्र सिंह रावता के समर्थकों ने इनका पुतला फूंका, धर्मेंद्र राठौर तो कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि अशोक गहलोत ने अगर करवाया है तो मान लेंगे। महेंद्र सिंह रावता सचिन पायलट के समर्थक हैं, वो मानेंगे नहीं मानेंगे देखने वाली बात होगी। लेकिन मुस्लिम वोट हैं 70-80 हज़ार इस इलाके में, वो कांग्रेस के नाम पर वोट देंगे या भगवा चेहरा देखकर निर्दलीय ज्ञान सारस्वत की तरफ चल जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी आने वाले वक्त में। आइए सुनते हैं क्या कहा अशोक गहलोत ने और अनादि सरस्वती ने आज। हेमू कालानी जो फ्रीडम मूवमेंट में शहीद हो गए थे, हेमू कालानी के नाम आप देखते हैं कि जगह जगह मूर्ति लगी हुई इनकी, जोधपुर में क्या नजर भी है और जगह भी है, उनके परिवार से ताल्लुक रखती हैं। और मुझे खुशी है कि उन्होंने स्वीकार किया है जो हालात देश के अंदर है बने हुए हैं, और शादी अनादी सरस्वती मानती है कि देश में प्रेम भाईचारा सद्भाव होना चाहिए, जैसे राहुल गांधी जी ने कहा था भारत जोड़ो यात्रा के अंदर। गहलोत साहब ने वास्तव में करने में नहीं, करने में विश्वास किया है कहने में नहीं। कुछ लोग हैं जो कहने के धनी हैं, हम कहने के भी धनी हैं और करने के भी धनी हैं, काम बोलता है। आदमी को कहते हैं ना कि परिचय की आवश्यकता नहीं पड़ती यदि आदमी का काम और कर्म मजबूत होते हैं। मुझे गर्व है इस बात का कि मैं अमर शहीद हेमू कालानी के परिवार से हूँ, वो मेरे दादा थे, और इसके अतिरिक्त मैं समझती हूँ मेरी पहचान सारे समाज में एक संत के रूप में भी है। संत पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर होता है और संत सनातन धर्म के साथ में सारे विश्व को अपना परिवार मानता है, और विषय एक ही होता है, मानव मात्र की सेवा, जीव मात्र की सेवा। चलिए, सेवा बीजेपी में कर रही थी, अब सेवा कांग्रेस में आकर करेंगी। सेवा ही उद्देश्य है, इस तरफ से हो चाहे उस तरफ से, पर जहाँ टिकट नहीं मिलो वहाँ क्या सेवा, जहाँ टिकट मिले वहाँ सेवा। अब देखिए, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जबरदस्त दौरे किए, नामांकन सभाओं को संबोधित किया। सबसे पहले दूदू में बाबूलाल नागर निर्दलीय विधायक थे, उनकी सरकार को बचाने में योगदान दिया, पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, पहले कांग्रेस के विधायक रहकर कांग्रेस सेवादल में थे। आज उनकी नामांकन सभा में अशोक गहलोत गए, बाबूलाल नागर कांग्रेस से चुनाव लड़े। अशोक गहलोत बीकानेर गए, नोखा में उन्होंने सुशीला डूडी की सभा में, नामांकन सभा में संबोधित किया। रामेश्वर डूडी बीमार हैं, उनकी जगह उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है। सुशीला डूडी भाव विवल हो गई, बोल नहीं पाई, तो
तो रंधावा ने ये कहा कि वो भाविक हैं, इस वक्त बोल नहीं पा रही, हम उनकी तरफ से बोल रहे हैं, उन्हें वोट देना है, रामेश्वर रूडी को वोट देना है, एक जैसी बात है। और उसके बाद कोलायत गए, कोलायत में उन्होंने भंवर सिंह भाटी जिस वक्त ऊर्जा मंत्री हैं उनकी नामांकन सभा को भी संबोधित किया। तीनों जगह अलग अलग मौकों पर उन्होंने एक ही बात कही, ईडी जिस तरह आ रही है, डोटासा घर में घुस गई, डोटासा के दोनों बेटों को सम्मन दिया है, मेरे बेटे को बुला लिया है, ये क्या तमाशा हो रहा है। सुनते हैं अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं ईडी को लेकर। इसमें क्या हो रहा है, छापे पड़ रहे हैं ईडी के, वो टीडी दल आता नहीं आता पाकिस्तान से, टीडी दल वो टीडी दल की तरह आजकल ईडी दल आ रहा है हिंदुस्तान भर के अंदर। आप पता मजाक बना रखिए, आज एक आर्टिकल पढ़ रहा था उसमें लिखा कि इस ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का जो मारक क्षमता थी, होती नहीं होती है जो मारक क्षमता होती है, मिसाइल की होती है, बम्बार्डमेंट की होती है, मारक क्षमता कम हो जाती है तो वार का असर नहीं पड़ता है, तो इस ईडी की मारक क्षमता ही कम हो गई है और उचित नहीं है। मैं दूसरी बात कहता हूँ, हम चाहते हैं ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई की जो एजेंसी है ये मजबूत बने, जिससे कि आर्थिक भगोड़े जो हैं मेहुल चौकसी, विजय माल्या, नीरव मोदी लंदन बैठे हुए हैं, 9 साल भगे हुए हैं। चलिए ईडी इनकी तरफ देखे या उनकी तरफ देखे, यही एक सवाल है। जो भगोड़े हैं, भागे हुए हैं, क्या ईडी उनकी तरफ देखेगी या राजनीति में जो लोग हैं उनकी तरफ देखेगी। अशोक गहलोत कह रहे थे, आज वसुंधरा राजे भी चुनाव प्रचार में निकली और उन्होंने बाली में जाकर पुष्पेंद्र सिंह का नामांकन भरवाया। पुष्पेंद्र सिंह वसुंधरा राजे के समर्थक भी हैं ज़बरदस्त, और वो ऊर्जा मंत्री भी रहे हैं, उनका नामांकन भरवाया उन्होंने। सतीश पूनिया ने भी आज नामांकन भरा और कई जगह पर नामांकन आज भाजपा के लोगों ने भरे। केशव प्रसाद मौर्य आए सतीश पूनिया का नामांकन भरवाने, वसुंधरा राजे गई पुष्पेंद्र सिंह का नामांकन भरवाने, और आने वाले दिनों में जब नामांकन भरे जाएंगे, एक नामांकन बहुत महत्वपूर्ण होगा राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का झूठवाड़ा से, उन्हें नामांकन भरवाने खुद जेपी नड्डा जयपुर आ रहे हैं ऐसा पता चला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे और राष्ट्रीय प्रवक्ता से नामांकन भरवाएंगे और उस सभा को संबोधित करेंगे झूठवाड़ा में। तो ये अगले 3 दिन चलता रहेगा। कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार भी साथ में जारी है क्योंकि 156 नाम आए, 44 सीटें अभी खाली है, इनमें से एक सीट हो सकता है सुभाष गर्ग को दी जाए भरतपुर की समझौते में, तो भी 43 नाम कांग्रेस के आने बाकी हैं, 43-42 जितने भी हों वो समझौते के बाद पता लगेगा। लेकिन अभी तक भी नाम नहीं आए, नामांकन भरने के भरना शुरू हो गए, तीसरा दिन आज निकल गया है, कब आएगी सूची इस पर कौतूहल है, जिज्ञासा है, गुस्सा भी है लोगों में, और कई जगह ऐसा लग रहा है कि उनके समर्थक को, जिनके कई समर्थकों को लग रहा है कि उनके नेता को टिकट नहीं मिल रहा है, तो पीसीसी पर आकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। कल मय जोशी ने प्रदर्शन के समर्थकों ने प्रदर्शन किया था, कल क्षमा करें, मय जोशी के समर्थकों ने प्रदर्शन किया था पीसीसी पर जब पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। आज चूमू से आकर रुक्मिणी देवी के समर्थकों ने पीसीसी पर प्रदर्शन किया और साथ में आमेर से भी कुछ आए और गंगा साय शर्मा के समर्थकों ने प्रदर्शन किया। तो रुक्मिणी देवी को टिकट देने की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहा है रुक्मिणी कुमारी के लिए, चूमू से टिकट देने की मांग को लेकर, और गंगा साय शर्मा के समर्थक भी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो टिकट नहीं मिलने या टिकट मिलने में देरी के कारण कांग्रेस में गुस्सा, जिज्ञासा, जो सब कुछ देखने को मिल रहा है, आने वाले समय में शायद ये 2 दिन में जिज्ञासा समाप्त हो जाएगी, सब कुछ सामने आ जाएगा, फिर सही रूप पता लगेगा। अभी आपको बताना चाहते हैं कि इस वक्त भी राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों में कई जगह जगह पर विरोध के स्वर हैं, कई बगावत की तैयारी कर चुके हैं, खासतौर पर भवानी सिंह राजावत का नाम मैं लेना चाहता हूँ जो बहुत ही करीबी रहे वसुंधरा राजे के, उन्होंने लाड़पुरा से कल नामांकन भर दिया था अपना। कल्पना देवी जो वर्तमान विधायक हैं और राज परिवार से आती हैं, उनको फिर टिकट अनाउंस कर दिया है बीजेपी ने,
तो इसका मतलब ये है कि भवानी सिंह राजावत निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, त्रिकोण बनाएंगे। ऐसे कम से कम दो दर्जन नाम हैं भाजपा के लोगों के जो कि चुनाव लड़ेंगे। इसमें सांचौर से जीवाराम का नाम मैं लेना चाहता हूँ। दानाराम और जीवाराम दोनों को टिकट नहीं दिया गया था, सांसद देवजी भाई को दिया गया था। वहाँ भी जबरदस्त 15-20 हज़ार लोगों की सभा हुई है और तय किया गया कि जीवाराम को चुनाव लड़ाया जाए। ऐसी कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिन पर हम तफसील से चर्चा करेंगे। एक बार तस्वीर साफ हो जाए, कौन सी पार्टी में कितने बागी, किस एंगल से चुनाव लड़ रहे हैं, कौन उसको त्रिकोण बनाने में सक्षम है, क्या बागी त्रिकोण बनाएगा पार्टी का, या आरएलपी त्रिकोण बनाएगी, या कहीं जेजेपी त्रिकोण बनाएगी, या कहीं सीपीएम त्रिकोण बनाएगी, बीटीपी त्रिकोण बनाएगी, आम आदमी पार्टी त्रिकोण बनाएगी। कई जगह पर त्रिकोणात्मक संघर्ष होगा, कहीं कहीं चतुष्कोणीय संघर्ष भी हो सकता है। इसलिए ये सारी तस्वीर साफ होगी 7 तारीख के बाद, जब नामांकन वापस लेने की तारीख निकल जाएगी, नामांकन पत्र जांच हो जाएगी, नामांकन वापस लेने की तारीख निकल जाएगी। उसके बाद फिर हम समीक्षा करेंगे कि कहाँ किसके बाजू में कितना दम है, कितना जोर है, अपना कौन कर्तव्य दिखा सकता है, कौन अपना खेल बना सकता है, कौन गोल कर सकता है पेनल्टी कॉर्नर से, और कौन पेनल्टी स्ट्रोक लगाएगा, और कौन अपनी पार्टी में खुद ही सेल्फ गोल कर लेगा। अभी कहना जल्दबाजी होगी। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। हम निरंतर आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे।